वार्ड नंबर 49 की माँ जी सीरियस हो गई हैं सर। बाप रे। सर जल्दी कीजिए। आप हिलिए मत, काबू में रखिए। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। टाइट पकड़िए, रुकिए जरा। इनको ना। सासा, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। मैं इनसे बात करती हूँ सर। 15 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, इनकी वेन ही नहीं मिल रही है। क्या चाहिए माँ जी आपको? रुक जाइए। और तुम ना, तुम्हारे आने के बाद से ये सब शुरू हुआ है। जहाँ देखो वहाँ पेंटिंग बना के रखी हुई है पागलों की तरह। पकड़ो ठीक से। डॉक्टर उदय, थोड़ा रुकिए। यहाँ भी आ गए आप? सर ये दूसरा केस है, आपको नहीं पता इस बारे में? मुझे सब पता है, मूव ऑन। अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ भी कर लीजिए। हट जाओ भाई। आंटी क्या हुआ? हाँ ये क्या बनाया है आपने? आप अपने बेटे से नाराज हैं क्या? हाँ क्रेयॉन खत्म हो गया, ये ले जानती। हम बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर सबको गालियां देंगे, पर पहले इंजेक्शन लगवा लीजिए, ठीक है ना? डॉक्टर तुझे तो मैं सर, एक्सक्यूज मी सर। एक्सीलेंट। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गई? इस आर्ट थेरेपी को मैं जर्मन में पढ़ चुका हूँ। हाँ सर, दिस इज सो गुड। इसे इंडिया लाकर यूज करना चाहता था, लेकिन यहाँ के लड़कों को जब तक मैं समझाऊँ तब तक तो मुझे खुद आर्ट थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन तुम बहुत बढ़िया करती हो। आई लाइक योर अप्रोच। थैंक यू सर। बहुत भरोसे से करती हो। आज से तुम अपनी आर्ट थेरेपी को यहीं पर रहकर शुरू क्यों नहीं करती हो? सिस्टर, इनके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो। थैंक यू सर। ये कौन है सर? इन्हें क्या परेशानी है? इसे जो है ना, अंदर आओ बताता हूँ। अरे छोड़ो ना मुझे, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, छोड़ो ना प्लीज। सब बता दिया आपने? हाँ सब बता दिया। ऐसा क्यों किया आपने? तो और क्या करता, ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करने के बजाय मुझे ही मारने आए थे ना। मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा ये तो नहीं कहा ना? तो फिर क्यों? उस लड़की को पहली नजर में देखते ही मुझे प्यार हो गया था, अब पता नहीं मिलेगी या नहीं, बस ये उम्मीद थी कि वो मिल जाए। मेरी वीकनेस बताकर आपने मुझे बर्बाद कर दिया। तेरी वीकनेस ही तेरी स्ट्रेंथ है, तेरी बलहीनता ही बल है। सर, सर, सर। उनके लिए सिर्फ आवाज सुनकर उनके आसपास क्या है वो जान सकते हैं, इसलिए मैं और तुम मिलकर एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। मैंने ये कहा, तुम उस लड़की पर मरने लगे हो मुझे साफ दिख रहा है, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे कान के इलाज पर है। तुम अगर ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे प्यार की गारंटी मैं देता हूँ। कोऑपरेट नहीं किया तो भंडा फोड़ दूंगा। आंख कान नाक जिसके अच्छे हैं वो भी आजकल लड़कियों को धोखा दे देते हैं। ऐसे में अगर तुम्हारी ट्यूबलाइट बुद्धि मैंने उसे बता दी तो हाय, आई एम हेमा। ब्लाइंड पीपल आसानी से चल पाए इसलिए आप और डॉक्टर मेहनत करके एक डिवाइस का आविष्कार कर रहे हैं ना, मुझे डॉक्टर ने बताया।
आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं करूंगी. ओके आपका नाम क्या है? हेलो, यहाँ पर सिग्नल सही से नहीं मिल रहा है. कल जो फीलिंग दिखाई उसके लिए मुहूर्त देखे बिना आज सीधे एक्शन पे उतर जाना, ठीक है ना? हम आधे घंटे के अंदर उसके हॉस्टल के सामने होंगे, उससे मिलाने तक हम तेरे साथ ही रहेंगे, ठीक है? उसके बाद तुझे खुद ही संभालना होगा. कानों से सुनने के लिए तैयार हो जा, ठीक है? ठीक है भाई. चुप. ए तू चुप कर ना. ए भाई तू जैसे चल रहा वैसे चलता रहे, वो खुद बीच में ज्वाइन कर लेगा, है ना भाई? ए यही रोक रहा है. रुक 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 रुक. क्या है यार? ए भाई ये बता, ये सब ठीक तो है ना? अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? यार हे देखो लड़की आ रही है. बाप रे क्या सुंदर लड़की है. देख भाई लड़की तो अच्छी है. अब ये ले पकड़. कुछ भी बोलकर कहीं भी लेकर जा, लेकिन संभल के रहना. इतना ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए. ऑल द बेस्ट. चल 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 भाई. दीदी उसने मेरी चॉकलेट्स भी ले ली. छोड़ो ना उसे, तुम अपनी क्लास पूरी करो, मैं लेकर आ जाऊंगी. ठीक है. अरे बाप रे डॉक्टर, ये गधा क्यों फोन कर रहा है? अबे ना तेरा ट्रीटमेंट चाहिए और ना ही तेरा अस्पताल. मैं अपनी परेशानी साथ में ढोलूंगा. कितनी चॉकलेट्स दिलाओगी? बहुत सारी दिलाऊंगी. ठीक है अब तो खुश हो ना? अब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना. दीदी दीदी कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुरंत पीछे मुड़कर मत देखना. हाँ धीरे से पीछे मुड़ना, ठीक है? अरे सोनू ये तो वही है, मैंने बताया था ना. कौन? दवा छिड़कने वाला? अच्छा अच्छा बॉल बेचने वाला ना. ए बदमाश, बताया था ना हॉस्पिटल में बॉम्ब ढूंढ रहा था. कौन? जो लल्लू बन गया था वही? हाँ वही. पर वो यहाँ कैसे? ए तू वापस क्यों आ रहा है? आगे जा आगे. तुम पर लाइन मारने तो नहीं आया ना? अरे नहीं नहीं ये सर जेंटलमैन. डॉक्टर ने कहा था. अभी घूमे घूम. मुझे तो लगता है कि तुम पर लाइन मार रहा है दीदी. ऐसे नहीं है. मैंने तो कहा था ना. हाय सर आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? आइए मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, दोनों एक साथ चलते हैं ना. नो सर हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे. नेक्स्ट वीक संडे सुपर सिंगर कॉम्पिटिशन में सोनू पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी की रिहर्सल के लिए इसे म्यूजिक क्लास ले जा रही हूँ. ऑटो 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 ऑटो. भाई मैलापुर के डॉट्स हॉस्पिटल जा. हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं. अरे पता नहीं है क्या, स्टेशन के पीछे जाओगे तो बड़ा सा चौराहा आएगा, उसके आगे बड़ी सी गुंबद है, गुंबद के नीचे बहुत बड़ी रोड मिलेगी, वहां से घूमकर. ओ गॉड हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं. नेक्स्ट वीक संडे सुपर सिंगर कॉम्पिटिशन में सोनू पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी की रिहर्सल के लिए इसे म्यूजिक क्लास ले जा रही हूं. इसकी तो वाट लग गई. S-E-N-D send P-I-C. अपनी फोटो भेजना. वेट वेटिंग वेटिंग वेट वेट फॉर 2 मिनट्स. क्या यार. ये क्या ठीक से दिखाई नहीं दे रहा. पिक नॉट क्लियर. पे रुपीज 1000 इन एडवांस. अरे हो गया यार बेड़ा गर्क.
हेलो मारिया, व्हाट इज दिस? हे हॉट गाय, हाउ आर यू? तुम्हारे लिए निशा पागलों की तरह इंतजार कर रही है। मारिया, ये सब क्या है? लुक हियर, ये कंपनी के एथिक्स है, तुम एडवांस पे करो, निशा तुम्हें अपने फोटोज भेजेगी। हाँ वो सब तो ठीक है, वो निशा मुझे ठीक से कोऑपरेट तो करेगी ना? एक मिनट रुको। मेरी माँ बहुत मेहनत करके पैसे कमाती है, प्रोजेक्ट के नाम से झूठ बोलकर मांगे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी का ये पहला मैटर है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू फॉर योर एटलीस्ट कोऑपरेट करो ना। हे, दुनिया में तुम पहले हो जो माँ का सेंटीमेंट मुझ पे आजमा रहे हो। एंड सी, ये कोई मैटर नहीं है, ये एक प्राइवेट डांस शो है। तुम्हारे लिए निशा बेबी अकेली एक रूम में छोटे छोटे कपड़े पहनकर उछल उछल कर डांस करेगी। हेलो साहब, रुको रुको, आओ साहब, आपके लिए मेरी बेटी वेटिंग। ये बताइए, हम स्मगलिंग कर रहे हैं क्या? इस जगह को देखकर लगता नहीं कि यहाँ डांस शो होता है। अंदर जाकर देखो, मस्त डांस भी दिखेगा। अच्छा, यहाँ मारिया कौन है? क्यों, मैं तुमको मरिया जैसी नहीं दिखती क्या? अंदर जाकर देखो ना साहब। कहाँ? वो वहाँ। पैसे तो देकर जाओ, बिना दिए जा रहा है। एक बच गया है, तुम पर्स ही रख लो। क्या आदमी है? चल, मैं फोन करता हूँ बाद में। हाँ, तुम लोग जाओ 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 जाओ
जल्दी। ए, ऐसे कहाँ भाग रहा है? भाग रहा है? मैं तो भाग रही हूँ। एक दूंगी ना, मुझे ही बना रहा है। अपनी शक्ल तो दिखा धोखेबाज। पैसे तो मिल गए हैं ना, पर बैलेंस बाकी है ना। ये लो, ये भी उसी से मारे थे, बस इतने ही है। वैसे इस जगह के लिए ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। क्यों रे, उससे मारे सारे पैसे तो तूने मुझे दे दिए, तो फिर ऐसा भेस बनाकर कहाँ जा रहा है? अब तक जो मिला उसका कोई मतलब नहीं, असली लूट तो अब शुरू होगी। असली लूट? कॉलेज में सिगरेट पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, 500,000 के लिए कभी कभी ऐसे तरीके से धोखा दे रहे हैं, लेकिन आज जो किया वो अच्छी बात नहीं है यार। बोल रहा हूँ एक दिन फंसेंगे, जेल पक्की है अपनी। यहाँ एक गधे। तो तुझे क्या लगता है, इस तरह के कपड़े पहनने का मुझे बड़ा शौक चढ़ा है क्या? वो तो बस अपने चेन्नई गर्ल्स के फेसबुक पेज के 25th प्रोजेक्ट को थोड़े बड़े लेवल पर करना चाहते थे, वेट भी किया कई दिनों तक, और बकरा आकर खुद ही फंस गया। आती लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? देखा, उस कुत्ते के बारे में बोला तो इस कुत्ते को गुस्सा आ गया। भाई एकदम बढ़िया दारू पीते हैं, कोई अच्छी सी जगह बता। ओए, यहाँ चखना खरीदने के लिए पैसे नहीं है और तुम लोग दारू पीने की बात कर रहे हो। ए, जितने पैसे मिले थे उस औरत को दे दिए ना यार। हे भगवान, इसको तो समझाना ही मुश्किल है। भाई वो फोन देना जरा। हाँ रुक, मैं करता हूँ ना। गधा कहीं का। ये ले ले ले। हेलो। हे हॉटी, कैसा रहा ट्रीटमेंट? अच्छा, तो ये सब तुम लोगों का काम था? उस लड़की का क्या हुआ? घबरा मत बेटा, तुम्हें अब एक मैसेज भेजती हूँ, अच्छी तरह से देख लो, ठीक है? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम लोग मुझे अपनी जाल में फंसा रहे हो, लेकिन मैं कोई कैश पार्टी नहीं हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। भगवान के लिए इसे नेट पर मत डालो। ये क्या नेट वेट का आइडिया ये खुद ही दे रहा है? बहुत दिमाग लगा रही है आजकल। हे हॉटी, अभी तुम 2,500 रुपीस मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, वरना कल तुम्हारी ये तस्वीर इंटरनेट पर पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। मेरी जान, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह। सो माय बेबी, हरी अप। 2,500 डिपॉजिट टू योर अकाउंट। ओए, इस लड़के ने तो बुरी हालत में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए यार। ट्रांसफर कर दिए? कौन है? आओ देखते हैं। ये क्या, बीच सड़क पर कोई लड़की लेटी हुई है। सर, लगता है दारू पी के पड़ी हुई है। अरे, ये लड़की नहीं है, लड़का है। हुआ क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव सर, लगता है निकल गया। अरे सर, अभी जिंदा है। राम, ए, ए, उठा। ए, राम, 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 उठ, उठ जा। तू ठीक तो है ना? Huh?
कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर, आप कई सालों से सक्सेसफुल ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं ना, तो क्या आज तक आपके सामने कभी भी कोई ऐसा केस आया है जिसे देखकर आपको अजीब लगा हो? दो महीने पहले ही एक आदमी हॉस्पिटल में आया था, वो मुझसे मिला। मैंने उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मुझे हंसी आ गई। क्यों डॉक्टर, आपके बारे में जानकर भी आपसे इलाज कराने आया ये सोच रहे हैं? सर को गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्सा नहीं हो रहा मैं, जो मैंने कहा वो तुम्हें तुरंत सुनाई दिया ना? हाँ सुनाई दिया, लेकिन उस इंसान को 5 सेकंड के बाद सुनाई देता है। अरे वाह, ये 5 सेकंड क्या है, बड़ा सिनेमैटिक लग रहा है। अब ठीक ठीक 5 सेकंड कह भी नहीं सकते, हो सकता है आगे पीछे भी हो, लेकिन ये तो पक्का है कि लेट सुनाई देता है और लेट समझ में आता है। शुरुआत में मुझे भी ये सिनेमैटिक ही लग रहा था, लेकिन साइंटिफिकली सोचकर देखा तो इट्स पॉसिबल। हमें सुनाई देने वाले शब्दों को हमारा दिमाग कुछ माइक्रोसेकंड्स के बाद ही समझता है। दरअसल उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में उसके दिमाग में मौजूद हियरिंग सेंटर गड़बड़ा गई। इसी हियरिंग प्रोसेस में सारे स्टेज को पार करके आखिरी स्टेज में जब शब्द उसके दिमाग में पहुंचते हैं तो उसे पहचानने तक थोड़ा लेट हो जाता है। थोड़ा लेट मतलब? मेरे हिसाब से उसे 5 सेकंड बाद ही सुनाई देता है। 5 सेकंड? इसे हम ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। शुरुआत में मैं भी आप ही की तरह हंसा था, बाद में जितना मैं कर सकता था और जितनी मुझे जानकारी थी सब आजमा लिया। कुछ भी नहीं हुआ, और फिर कुछ दिनों के बाद उसने भी आना बंद कर दिया। बेचारा, पता नहीं अब कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। अब अगर वो दोबारा हमारे पास आता तो हमें पता चलता। ये तो तय है कि देर से सुनाई देने की वजह से एक आम इंसान की तरह वो जिंदगी नहीं गुजार पा रहा होगा। अब अगर इस प्रॉब्लम की हम बात करें तो ये एक ट्यूबलाइट की तरह है कि अभी स्विच दबाओ तो थोड़ी देर बाद ही जलती है। ए चाय वाले, कहाँ रहे तू? देख ग्राहक आए हुए हैं। कहाँ गायब हो गया रे? चाय के धंधे पे इसका ध्यान ही नहीं है, दुकान कैसे चलेगी? चल गई, इधर लगा इसे, आज कुछ तो चला ही देंगे। बैठ बैठ बैठ, बैठा हूँ मैं। ये कौन है भाई? ये भाई, मैंने अपने दोस्त के लिए पेपर रखा था। अरे बाप रे, भागो भागो भागो। अरे ये तो इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाँ। चल चलकर बड़े वाले बॉम्ब लेकर आते हैं। चल चल चलते हैं। चल चल चल। हाँ। बच्चे पटाखे फोड़ रहे, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आराम से बैठे हुए हो, जानते नहीं तुम इन बच्चों को, बहुत बदमाश हैं ये सब, शैतान कहीं के। पागल है क्या? अबे क्या हो गया तुझे, तुझे दौरे वोरे तो नहीं पड़ते भाई? अचानक इसे क्या हो गया, लगता है पागल है। बदतमीज, नहीं आती है तुझे।
अरे कल ही मैं उसे शादी करके लाया हूँ, तू उसे हाथ लगाता है, तुझे मैं सर 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 कितनी देर से आपको आवाज दे रही हूँ, ये लीजिए इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। वन मिनट। थोड़ा वेट कीजिए, डॉक्टर अभी राउंड पर हैं। हाँ सर 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 थोड़ा वेट कीजिए, डॉक्टर अभी राउंड पर हैं। ओके। पागल है क्या, पागल खाने से भाग कर तो नहीं आया? कहीं पता तो नहीं चल गया, जाना बाप रे। सर प्लीज वेट। आपको फॉलो कर रही हूं, एक चांस तो दीजिए ना सर, प्लीज सर। हे मालूक, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। किसी चीज को ट्राई किए बिना कैसे ना कह सकते हैं आप सर, एक बार ट्राई करके तो देखिए प्लीज। हम यहां पे कॉमेडी करने के लिए हॉस्पिटल चला रहे हैं क्या? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं, हम नहीं कर सकते। हर एक पेशेंट अपना दर्द भूलने के लिए, मौत से बचने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर दर दर की ठोकरें खाने के बाद इस हॉस्पिटल को चुनता है, हम पर भरोसा करता है और उम्मीद करता है कि वो यहाँ पर जल्दी ठीक हो जाएगा। और उन्हें मैं तुम्हारी थेरेपी पर बिठाकर, व्हाट थेरेपी इज दैट? आर्ट थेरेपी सर। हाँ, तुम्हारी आर्ट थेरेपी के भरोसे उन्हें ड्रॉइंग करने के लिए कहूँ तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी? हमारे डिबेट करने के बजाय, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, आपके हॉस्पिटल का सबसे आइडियल पेशेंट जिस पर कोई भी ट्रीटमेंट ना हो पा रहा हो वो पेशेंट मुझे दे दीजिए, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगी सर। देखो हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है, 10 दिन से पीछे पड़ी हूँ सर, 10 मिनट दे दीजिए प्लीज। सी, जस्ट 10 मिनट्स। ओके। सुनो परेश, सुनो, इन्हें वार्ड नंबर 49 पर ले जाओ। हाँ ठीक है सर, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ आता हूँ। आइए मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे मैडम, डॉक्टर साहब आपसे मजाक कर रहे हैं इसलिए उस वार्ड में भेजा है, वो माँ जी तो 10-12 दिन में टपकने वाली हैं, उन्हें खाए 10-12 दिन हो चुके हैं, ना खाना खाती हैं ना दवा लेती हैं, सब जानबूझकर कर रही हैं, पता नहीं उन्हें क्या परेशानी है। हेलो, क्या हुआ वहाँ, डॉक्टर से मिला ना? यार आते समय गाड़ी पंचर हो गई यार। भाई कुछ बात नहीं बनी, वो लोग तो बोल रहे थे कि सबका इलाज होता। अरे वो बोला ऑडियो प्रोसेसर की कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम कोई और ही है, इनफैक्ट मेरी प्रॉब्लम का कोई नाम ही नहीं है। अरे बाप रे, तब तो गया। बस यहाँ पे एक मस्त लड़की को देखा मैंने। क्या, कौन सी लड़की भाई? आंटी कैसी हैं आप, सुना आपने 10 दिन से कुछ नहीं खाया और बहुत जिद्दी भी हैं आप। ओए बता भाई, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ।
मैं ना तो आपको खाने के लिए कहूंगी और ना सोने के लिए कहूंगी, हम बस थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे, ठीक है ना? कोई 10 दिन से पहले ना टपक जाए इस थेरेपी की वजह से। अब हम पेंटिंग खेलेंगे, अगर आप जीती तो मैं आपको फिल्म दिखाने या बीच में घुमाने ले जाऊंगी, ओके? हाँ, उसी का इंतजार कर रही थी। वो इस ड्राइंग को देखिए जरा, पता है ये कौन है? मैं ही हूँ। मुझे ज्यादा अच्छा बनाना तो नहीं आता, लेकिन अभी तो मैं ऐसी ही हूँ, बहुत खुश, ठीक इस पेंटिंग की तरह। आपको अपने बारे में जो लगता है, आपके मन में जो भी है, जो भी आप सोच रही हैं, वो मुझे बनाकर दिखाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, लगता है बहुत नाराज हो रही है, मैं जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। हाँ? तब आप मुझे ड्राइंग बना के दिखाना। हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं कमिश्नर के ऑफिस से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। तुम्हारे अस्पताल में बॉम्ब है। क्या बॉम्ब? यस सर, आपकी आवाज नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि वहाँ आकर डिफ्यूज कर सके। सर, सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। तुम्हारे अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आंसर नहीं आ रहा है। देखो, हम जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ठीक उसे फॉलो करोगे तो उस बम को आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं। हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं है? हेलो 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 हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो हेलो हेलो, देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, आपके अस्पताल में पावरफुल टाइप सी ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव बम बस 10 मिनट में फटने वाला है, वेरी डेंजरस। हेलो 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 हेलो, फोन क्यों नहीं कर रहा है? तुरंत सारे लोग अस्पताल से। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके हॉस्पिटल में बॉम्ब रखा है। बॉम्ब? बॉम्ब नहीं, बॉम्ब। बॉम्ब? टाइप सी ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव बॉम्ब। बस 10 मिनट में वो फटने वाला है। बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब। हेलो 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 मैडम, हॉस्पिटल में बॉम्ब रखा हुआ है। इससे पहले कौन बात कर रहा था? टाइम बहुत कम है, आसपास कोई तेज दौड़ने वाला जेंट्स है क्या? हेलो 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 हेलो, अरे अरे यहाँ कोई भी नहीं है। सर पेशेंट को शिफ्ट कर रही हूँ, ये लीजिए, जल्दी से वार्ड नंबर 10 में जाइए, जल्दी भागो, जल्दी करो। ये लीजिए ना, टाइम बहुत कम है हमारे पास, अब जा क्यों नहीं रहे हैं? जाइए ना प्लीज, अभी जाइए। बॉम्ब है, बॉम्ब। हे भगवान, चलो जल्दी चलो, वार्ड नंबर 10 में जाओ, वार्ड नंबर के बाजू में ही यूपीएस रूम है। बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। बॉम्ब के कवर को ओपन कीजिए, ओपन करते ही आपको एक टाइमर दिखेगा, उसके नीचे जिलेटिन स्टिक्स होंगे, वहाँ पे 2 तार जुड़े हुए होंगे, एक रेड वायर और दूसरा ग्रीन वायर, दिख रहा है ना?
मेरा इस बॉम्ब से क्या लेना देना है? उस लड़की को मैंने क्या देख लिया तो मेरे हाथ में ये बॉम्ब आ गया। एटलीस्ट इस बॉम्ब के फटने से पहले मैं इसे दूर कहीं पर फेंक दूं और लोगों को बचा लूं, ये तो वो लड़की देखे। उसमें रेड वायर को काट दीजिए। देखिए घबराए बिना मेरी इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो करिए। बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए दो स्टेप्स हैं। बॉम्ब के कवर को ओपन कीजिए। ओपन करते ही आपको एक टाइमर दिखेगा, उसके नीचे जिलेटिन स्टिक्स होंगे, वहां पे दो तार जुड़े हुए होंगे, एक रेड वायर और दूसरा ग्रीन वायर, दिख रहे हैं ना? सुन रहे हो? हेलो, हाँ है, आगे क्या? हेलो, हे भगवान, भगवान, मैंने वो फोन भी तो नीचे गिरा दिया था, पता नहीं आगे क्या बोला होगा। बाकी सारी आवाजें तो लेट सुनाई देती हैं, लेकिन मौत का शंखनाद ठीक टाइम पर सुनाई दे रहा है। अरे कुछ तो जवाब दीजिए। पता नहीं कौन सा तार काटने को कहा होगा, जो होगा देखा जाएगा, दोनों वायर ही उखाड़ देता हूँ। फट गया क्या? किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, वो असली बॉम्ब नहीं था, सिर्फ परीक्षण के लिए बनाया गया था। तेरी भी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। निर्भया, तुम अब तक सोई नहीं? खाना खा लिया ना? क्यों नहीं खाया? सभी ने खाना खा लिया, बस ये तीनों तुम्हारे बिना नहीं खा रहे हैं। सॉरी बच्चों, आज दीदी के पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। कहानी? सिर्फ कहानी ही नहीं, सच है। सच्ची कहानी? अब चले? चलो। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया था? अरे यार वो लड़की ना, उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। हमेशा तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? कॉलेज में पढ़ते समय हम सब लोगों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सिर्फ तेरे ही कान उड़ गए। इतने बड़े हॉस्पिटल में सब लोग जान बचाकर भाग रहे थे और ये लड़की के चक्कर में आजकल लोग अस्पताल में बॉम्ब रखकर धमकी देते हैं ना, उसी तरह ये भी अगर किसी ने बॉम्ब रखा तो किस तरह हम लोग पेशेंट्स को बचा पाएंगे? उसका एक ट्रेनिंग का डेमो था ये। ये तेरे सवाल का जवाब था, मेरा जवाब पता नहीं कब मिलेगा। चुप कर पागल। पता है वो सारे पेशेंट्स कितना डर गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। धत। वैसे ऐसा सब करने से पहले वो लोग अलार्म भी तो बजाते हैं ना। क्या लड़की थी वो। क्या आंखें थी उसकी। मेरा दिल ले गई यार। क्या कविता है कविता, तेरे सवाल का जवाब ऑन द वे है। चुप है। तो फिर पुलिस को वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा क्या? कुछ नहीं क्या? डॉक्टर्स, सारी नर्सेस, पेशेंट्स के सारे रिलेटिव्स, उन्होंने क्या सुनाया उनको? देखिए यहाँ के सीनियर्स को इन्फॉर्म करने के बाद ही ये काम किया गया था, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बेचारे पुलिस वाले कुछ और सोचकर कुछ और करना चाहते थे और हुआ कुछ और ही। रुको 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 रुको, ऐसे किसको देख रही हो दीदी? ए, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो तो कहानी सुनाते समय गैप आया था ना,
वो ना, वो जिसने बॉम्ब उठाया था, बेचारा था वो, उसके हाथ में वॉकी टॉकी था। मैंने जैसे ही उससे कहा तुरंत वहां से चला गया। फिर पता नहीं उसने क्या सोचा, अचानक वापस आया और वॉकी टॉकी ले गया। हीरो की तरह रिस्क लेकर बॉम्ब का पता लगाया उसने। खुश हो गया ना? बेचारे का मजाक बन गया। उस भीड़ में मेरी चिंता करने वाली सिर्फ वही एक थी, सिर्फ वही लड़की थी। अच्छा? भगवान, क्या नजर थी उसकी, क्या आंखें थी, क्या मुस्कान थी, मदर टेरेसा जैसी, गजनी के आसिन जैसी, सन्नी लियोनी जैसी। मदर टेरेसा जैसी नहीं थी, गजनी के आसिन जैसी, सन्नी लियोनी। अबे ये तो जल्दी सुन लिया। दीदी वो माजी ठीक तो हो जाएंगी ना? आज ही तो थेरेपी स्टार्ट की है, उस हॉस्पिटल के डीन मान जाए तो थेरेपी कंटिन्यू करके उन्हें पक्का ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली आर्ट थेरेपी किसे कहते हैं? जोर लगा। अरे नहीं पता ना। जिनका दिल दुखी हो वो ये सोचते हैं कि अगर वो अपना दुख बाहर बताएंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा, इसलिए वो अपना दुख दिल में ही छुपा कर रखते हैं और दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। इन सभी को अपनी थेरेपी की मदद से ये बात समझाएंगे और उसके बाद उनके दिल की बात बाहर निकलवाएंगे और फिर उन्हें रुलाएंगे। फिर उनका मन हल्का हो जाएगा और वो हंसने लगेंगे। जब कोई दिल से हंसता है ना तो वो खुद ठीक हो जाता है। This is I am and this is वो, और बीच में ये टाइम बॉम्ब, फटने पर बन गया लव बॉम्ब। अच्छा दीदी, उस आदमी ने तुम्हारे कहने से इतना बड़ा रिस्क लेकर बॉम्ब क्यों ढूंढा? वो बहुत हिम्मत वाला था क्या? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, दिखने में तो थोड़ा लल्लू सा था। कहीं तुम पर लाइन तो नहीं मार रहा था? तो क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? और नहीं तो क्या दीदी, पता है हमारे स्कूल के बाहर पीली शर्ट पहनकर एक भिखारी बैठता है ना, वो भी तुमको लाइन मारता है। और हमारे हॉस्टल में तुम्हें घूरते हुए खाना बनाता रहता है वो राजू, तुम खूबसूरत हो। और हाँ, डेली गार्डन में दवाई छिड़कने आता है वो सुभाष, वो भी तुम पर लाइन मारता रहता है। दीदी, भिखारी, खाना बनाने वाला, दवाई छिड़कने वाला, ए कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो बदमाश। Thank you.
ये डॉक्टर मोहन है, आपने कहा था ना यहाँ पर कोई बहरा है, आप लोगों को बिना बताए ये उसी का ट्रीटमेंट करने यहाँ पर आए हैं। यू ब्लडी इडियट गधे की दुम, ही इज नॉट डेफ, ये बहरा नहीं है, ही हैज जस्ट गॉट एपीडी, ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। प्रॉब्लम इसके कानों में नहीं है, इसके दिमाग में है। मैं घर में घुस आया उससे अनजान, मेरे की हर आवाज से बेखबर होकर एक सांड की तरह सोते रहे तुम दोनों से ज्यादा। राम के कान ज्यादा बेहतर हैं, साफ सुनाई भी देता है, हाँ बस थोड़ा लेट सुनता है। एंट्री जंप पर 3 सेकंड में रिएक्शन, स्पून के गिराने पर 4 सेकंड में रिएक्शन, स्पून 2 और 3 पर 3.5 सेकंड पर रिएक्शन, टीवी पर 5 सेकंड, कुल मिलाकर तुम्हें हर एक साउंड अलग अलग समय पर सुनाई देता है ना बेटा। मेरा नाम मोहन है, डॉक्टर मोहन, शहर का इकलौता सक्सेसफुल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर, चेयरमैन, सब कुछ, बट नॉट द चीफ डॉक्टर। पता है सब लोग मुझे कैसे पुकारते हैं? डॉक्टर बड़े दिल वाले हैं लेकिन इनका हाथ अच्छा नहीं है। ऐसा ये जो डॉक्टर जा रहे हैं ना, इनके सिर्फ दादाजी ही थे, माँ बाप नहीं थे। अच्छा, ऊटी के आधे से ज्यादा चाय के बागान इनके दादाजी के ही थे। अच्छा, चाय बेचकर पैसा कमाना छोड़कर बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाने की इच्छा हो गई। अच्छी बात है। अपने बच्चे को डिग्रियां दिलाने के लिए इन्होंने अपनी चाय की सारी बाग बेच दिए। एक बार अपनी सारी पढ़ाई खत्म करके अस्पताल जब खोला ही था तब पहले ही पेशेंट के लिए सब वेट कर रहे थे। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाइए डॉक्टर, इसने सिक्का निगल लिया है। 10 साल के बच्चे ने एक सिक्का निगल लिया था, सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश हो गया था। ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। 2 घंटों की कोशिशों के बाद डॉक्टर ने आखिर वो सिक्का निकाल ही लिया। सिक्का निकालने की खुशी में सिक्के के साथ साथ कोई और जरूरी चीज भी डॉक्टर ने निकाल दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्चा तो बच गया लेकिन बोल नहीं पाया। ये बात आज तक ना डॉक्टर समझ पाए और ना कोई और ही समझ पाया कि उन्होंने क्या निकाला था और ये सब क्यों हो गया। बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? बच्चा तो उसके बाद कभी नहीं बोल पाया और गुस्से में उसके रिश्तेदार और गांव वालों ने मिलकर उस अस्पताल को चकनाचूर कर दिया। बड़ी उम्मीदों से जिस दादाजी ने पोते को पढ़ाया था उस डॉक्टर को पूरे गांव ने खोटा डॉक्टर होने का नाम दे दिया। और उसी दुख में दादाजी भी चल बसे। लेकिन मरने से पहले दादाजी, आज के बाद इलाज के नाम पर तुम किसी पेशेंट को हाथ मत लगाना, सिर्फ हॉस्पिटल का एडमिट देखना। उस हॉस्पिटल के परमानेंट चीफ डॉक्टर के लिए उनके एस्टेट पर ही काम करके अपनी मेहनत से पढ़कर डॉक्टर बने रामास्वामी के बेटे शिवा को काम पर रख लिया। बस तब से लेकर अब तक चीफ डॉक्टर शिवा की देखरेख में ही हॉस्पिटल का बहुत नाम हुआ है। लेकिन उनके दादाजी ने जो एग्रीमेंट किया था उसकी वजह से वो सिर्फ नाम के ही डॉक्टर होंगे, ये सोचकर डॉक्टर साहब बहुत दुखी हो गए। डॉक्टर है लेकिन सिर्फ नाम का, अब क्या कर सकते हैं? सिर्फ डिग्री लेने से ही कोई डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। एक डॉक्टर का हाथ भी तो साफ होना चाहिए। वैसे वो इंसान बहुत अच्छे हैं लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। और पूरा शहर मेरे बारे में गलत बोलने लगा क्योंकि दादाजी ने मुझे किसी का इलाज करने से मना कर दिया था। उसकी एक वजह डॉक्टर शिवा भी हैं। इतने दिनों बाद अपना गुण प्रूव करने के लिए कोई तो केस मेरे लिए लेकर आएगा, मैं इस इंतजार में बैठा था और तब तुम हमारे हॉस्पिटल में आए, कालिदास ने मुझे बताया। मैंने पता लगाया कि तुम्हारे केस में कुछ अजीब बात है, तुमसे छुपकर तुम्हारी सारी डिटेल्स कलेक्ट की।
अपनी बीमारी को ठीक कराने तुम कई डॉक्टर्स के पास गए होगे, लेकिन आखिर में मेरे हॉस्पिटल में ही आए। हर जगह तुम्हें ना ही मिला होगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो पैदाइशी नहीं है, अनजाने में एक एक्सीडेंट में हुआ हादसा है, उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है। तुम्हारी प्रॉब्लम कान में नहीं है, दिमाग के प्रोसेसिंग सेंटर में है। जिस जगह पर तुम्हें झटका लगा था उसी जगह पर दोबारा एक झटका देंगे। हाँ, तुम्हारे ठीक होने के चांसेस हैं, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। तुम्हारे जरिए मैं अपने माथे पर लगा धब्बा हटाऊंगा, अपनी मंजिल को वापस पाऊंगा। कोऑपरेट करोगे ना? सर, कोऑपरेशन हम करेंगे ना सर। अभी आपको क्या चाहिए? सबसे पहले रामू की केस फाइल चाहिए मुझे। रुकिए, अभी लाता हूँ। इसमें तो एक्सरे और प्रिस्क्रिप्शन है यार, वो हर डॉक्टर नहीं देख सकते, और देख लेंगे तो भी कोई बीमारी नहीं बता सकता। ए, चुप कर, अब से यही तेरे डॉक्टर हैं। हाँ यार, डॉक्टर ढूंढते ढूंढते तेरे कान के साथ तेरे पैर भी घिस गए हैं। इनके पास पेशेंट नहीं है, तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं है, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। कल सुबह ठीक 10:30 बजे वी विल सी इन द हॉस्पिटल। क्या है? मुझे पैसे चाहिए। कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, अगर ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो आगे जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। क्या बात है, बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, बहुत बिजी हो क्या? हाँ मैं बहुत बिजी हूँ, तुम फोन रखो। कालिदास, गाड़ी बढ़ाओ। हाँ। इतने दिनों के बाद आज अचानक से यहाँ पर आ गए, मेरी जान खाने को। तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे और किसकी, अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहन की। तो वो डॉक्टर भी है? जरा धीरे धीरे बात करो, कोई सुन लेगा ना। अभी जॉइन किए 1 महीना भी नहीं हुआ है, ऐसा ना हो कि घर बैठना पड़े। अरे बाप रे, ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? हमारे हॉस्पिटल के मालिक यहाँ पर से निकलेंगे, सब लोग उनको विश करेंगे, लेकिन तुम्हें स्पेशल विश करनी पड़ेगी। स्पेशल मतलब? अरे बाकी सब लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग डॉक्टर बोल के विश करते हैं ना, पर तुम ऊंची आवाज करके डॉक्टर पे दबाव देकर बोलना गुड मॉर्निंग डॉक्टर, डॉक्टर कह के विश करना। ऐसे कहूंगी तो? तभी तो वो तुमको ज्यादा पसंद करेंगे और तुम्हारी जल्दी से तरक्की भी हो जाएगी। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। चुप करना डॉक्टर। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। जॉइन किए हुए 1 महीना ही हुआ है डॉक्टर। मैंने भी तो आपको यहाँ पहली बार ही देखा है डॉक्टर। इस तरह से तुम्हें डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाना किसने सिखाया है? वो है ना, उन्होंने सिखाया। उसे कहो मुझे आकर मिले। ओके। ये ले, गधा कहीं का, मेरे हॉस्पिटल में काम करता है और मेरा ही मजाक बनाता है। डॉक्टर साहब, आज आपको ये क्या हो गया है? पहले तो आप डॉक्टर डॉक्टर बोलने पर बहुत खुश होते थे। अपना मजाक और अपना ये मक्खन तुम किसी और को लगाना। यू आर सस्पेंडेड, 1 महीने तक काम पर मत आना। ये बात सिर्फ डॉक्टर शिवा कह सकते हैं। डैम इट, तनख्वाह मैं देता हूँ और सलाम उस गधे, डॉक्टर उस गड़बड़ को कह रहा था। यू आर डिसमिस्ड। ऐसे कालिदास। नहीं डॉक्टर। सर, इसे बाहर निकालो यहाँ से, लेकर जाओ। डॉक्टर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ए, अंदर आओ। मत कीजिए। चलो चल, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, सोच लो, चलो बाहर, चलो चलो बाहर। सर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? नथिंग, ऑल इज वेल। आप अचानक किस तरफ कैसे? मुझसे मिलने के लिए एक पेशेंट आने वाला है, उसी का वेट कर रहा हूँ। पेशेंट? डॉक्टर शिवा भी शहर से बाहर है, ऐसे में आप किसी को कुछ कर दोगे तो? कर दोगे तो बोलो, दोगे तो क्या? तुम लोग अपना अपना काम करो बस। सर अपने हॉस्पिटल का नाम बहुत अच्छा है। मुझे धमका रहा है क्या? ये मेरा हॉस्पिटल है, मैं जानता हूँ इसका नाम, कैसे बचाना है मुझे। तुम बैठ कर सिर्फ इंजेक्शन लगाओ, मेरे पेशेंट के आने का टाइम हो गया। मेरा पेशेंट
पेशेंट आ गया क्या? सर यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं। आपका पेशेंट कौन सा है? तुम कहो, डॉक्टर साहब आ गए हैं, सब लोग अंदर आ जाइए। थोड़ी देर बाद एक इंसान थोड़ा सोच कर रुक कर आएगा, वही है। हे भगवान, यहाँ क्या क्या हो रहा है। डॉक्टर आ गए हैं, आप एक एक करके अंदर जाइए। डॉक्टर आ गए हैं, आप एक एक करके अंदर जाइए। सर आप सेकंड फ्लोर पर जाइए, रूम नंबर 5 में डॉक्टर मोहन से जाकर मिलिए। सर वो बिना कुछ कहे अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वही है, डोंट वरी, ही विल बी कमिंग। सर आप सेकंड फ्लोर पर जाइए, रूम नंबर 5 में डॉक्टर मोहन से जाकर मिलिए। ये वही है ना जिसने बॉम्ब डिफ्यूज किया था? हाँ वही है। ऐसा तो नहीं कि उस हादसे के बाद इसका दिमाग घूम गया हो? कालिदास। यस सर। ऑपरेशन थिएटर रेडी है ना? रेडी है सर। ऑपरेशन इक्विपमेंट्स रेडी है ना? रेडी है सर। कम लेट्स गो। अरे भाई डॉक्टर बुला रहे हैं। कहाँ? ऑपरेशन थिएटर में। हुआ क्या? अरे ऑपरेशन थिएटर में बुला रहे हैं, चलो। ऑपरेशन थिएटर? अरे अपने दोस्तों को बुला कर लाता हूँ कम से कम। अरे उनको बाद में बुलाना, तुमको बुला रहे हैं अभी, चलो। अरे चलो ना, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, चलो अंदर चल। मैं नहीं जाऊंगा अंदर। वेलकम राम। तुम सोच रहे हो ट्रीटमेंट के नाम पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखकर पागलों की तरह ये क्यों खड़ा है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन के हियरिंग सेंटर में छोटे शॉक की वजह से है। उसी शॉक को एक और शॉक देकर ठीक कर सकते हैं, बताया था ना। इसीलिए मैं तुम्हें शॉक देने वाला हूँ। घबराना मत, ये बस साउंड शॉक है। मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगा, तुम्हारे हाथ बांध दूंगा, इस हेडफोन को तुम्हारे कानों पर लगा दूंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ये स्पेशल हेडफोन बनाया है। जब जब मैं इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा इसमें से 100 गुना ज्यादा तेज आवाज आएगी, शोर होगा जिसे सहन करना मुश्किल होगा, वही तुम्हारे दिमाग के हियरिंग सेंटर में जाकर ट्रिगर करके शॉक क्रिएट करेगा। तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे, समझ गए ना? समझ गए ना? आएगा तुम्हारी समझ में। जी सर। जी सर। भाई, ओ भाई, डॉक्टर साहब ने कान की मशीन बंद करने को बोला है। तुम बंद करो, मैं बताता हूँ, बंद करो। आज एकदम अलग से पेशेंट का एकदम अलग तरीके से ट्रीटमेंट होने वाला है। वो इंसान हमारे पूरे अस्पताल में केशवनाथ कौन है पूछता हुआ आएगा, क्योंकि उसकी आंखों और हाथ पर पट्टी बंधी हुई होगी। अगर किसी ने उसे उतारा तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, वो घर भी जाएगा। ये हॉस्पिटल है, मेरी भी किस्मत ना। सर डॉक्टर शिवा को आपने फोन किया या नहीं? फोन तो करना ही पड़ेगा ना, US में कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक डिस्टर्ब नहीं करने को कहा है। आती उनकी सारी हरकतें बतानी है। जरा पकड़ना इसे। राम अब ध्यान से सुनो, इस ट्रीटमेंट में तुम्हारे आसपास बस शोर होगा, उससे जूझकर तुम पूरी कोशिश करके कंसंट्रेशन से अपना काम करोगे और वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बट वन कंडीशन, तुम केशव नाथ को जब तक लेकर नहीं आते ट्रीटमेंट विल बी कंटिन्यूड। सर, इन्होंने सच में पढ़ाई करके ही डिग्री ली थी क्या? क्या ये क्या कोई रिएक्शन ही नहीं है? लगता है ये इंसान मुझसे भी ज्यादा बहरा है। सर यहाँ केशवनाथ नाम का कोई आदमी पता है? नहीं सर। है? पता नहीं सर, पता नहीं सर, पता नहीं सर, पता नहीं सर। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी घबरा गए? सर आप बीच में ही बजाओगे तो मुझे किसी की बात कैसे सुनाई देगी? इन सब के बावजूद उनकी बातों पर कंसंट्रेट करके केशवनाथ का तुम्हें पता लगाना होगा। किस पागल के हाथ लग गया यार? टाइम वेस्ट मत करो मैन। सर, प्लीज सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दो। गो
डोंट गिव अप, रन रन, और कोई रास्ता नहीं है। मैडम, सर, मैडम, मुझे केशवनाथ जी से मिला दो ना, मैडम। मैडम, सर 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 सर, प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा मेरे ये हाथ खोल दो प्लीज। मेरी ट्रीटमेंट के आड़े आने वाला कोई भी हो, उसे अस्पताल छोड़कर तुरंत बाहर जाना होगा। सर, थोड़ा खोलिए ना सर। सर, सॉरी सॉरी। केशवनाथ, अरे कहाँ है तू? सर, ये केशवनाथ जी कहाँ मिलेंगे? मैं इस हॉस्पिटल में 10 साल से काम कर रही हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ इस नाम का कोई भी डॉक्टर नहीं है। मे बी यहाँ कोई नया ज्वाइन हुआ होगा, खाना बनाने वाला, कोई माली, या फिर शायद पेंट करने वाला। सर, बहुत प्यास लगी है, थोड़ी कॉफी मिल सकती है? ओ मैडम, हो क्या आप? अच्छा, ऐसा कोई नहीं है? गधे कहीं के कान में तू इतना बेसुरा बजाएगा तो मैं दूसरे की कैसे सुनूंगा? कमीने, अगर तू मेरे हाथ लग गया ना। मेरा ट्रीटमेंट काम कर रहा है, तुम चाहे जो भी बोलो मैं तुम्हें सही करके रहूंगा। ए, कोई तो मुझे उस केशवनाथ के पास लेकर जाओ ना। ए, ऐसा लगता है तुम पेंटर हो। यहाँ केशवनाथ कौन है तुम्हें पता है? ए, ए, बोलो। मुझे पता है बे, लेकिन बताऊंगा नहीं। भाई भाई प्लीज, भाई भाई भाई, अरे ओ कमीने, तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। तू जिसे ढूंढ रहा है उसे सुनाई नहीं देता बे। वो अपने कान की मशीन बंद करके बगीचे में घास काट रहा होगा। तुझसे ही बोल रहा हूँ, तुझसे ही बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, राम, आर यू ओके? आप केशवनाथ हो ना? केशवनाथ हो ना? आप केशवनाथ हो? केशवनाथ हो? मैंने पता लगा लिया, पता लगा लिया मैंने। अरे छोड़, छोड़, मैंने ढूंढ लिया, छोड़, मैंने ढूंढ लिया, देखो, केशवनाथ मिल गए, छोड़, मिल गए, छोड़, हटा। तेरे इलाज की ऐसी की तैसी, कमीने। किससे पूछकर उसकी आंखें खोली? किसे पूछकर तुमने उसके हाथ खोले? मैं कितना बड़ा रिस्क लेकर इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ पता है? आखिर में आकर किए कराए पर पानी फेर दिया। Who are you?
वार्ड नंबर 49 की माँ जी सीरियस हो गई हैं सर। बाप रे। सर जल्दी रुकिए, रुकिए मत, रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, टाइट पकड़िए, रुकिए जरा। इनको ना। सासा, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, मैं इनसे बात करती हूँ सर। 15 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, इनकी वेन ही नहीं मिल रही है। क्या चाहिए माँ जी आपको? रुक जाइए। और तुम ना, तुम्हारे आने के बाद से ये सब शुरू हुआ है। जहाँ देखो वहाँ पेंटिंग बना के रखी हुई है पागलों की तरह। पकड़ो ठीक से। डॉक्टर उदय थोड़ा रुकिए। यहाँ भी आ गए आप? सर ये दूसरा केस है, आपको नहीं पता इस बारे में? मुझे सब पता है, मूव ऑन। अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ भी कर लीजिए, हट जाओ भाई। आंटी क्या हुआ? हाँ ये क्या बनाया है आपने? आप अपने बेटे से नाराज हैं क्या? क्रेयॉन खत्म हो गया, ये ले जानती। हम बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर सबको गालियां देंगे, पर पहले इंजेक्शन लगवा लीजिए, ठीक है ना? डॉक्टर तुझे तो मैं सर, एक्सक्यूज मी सर। एक्सीलेंट। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गई? इस आर्ट थेरेपी को मैं जर्मन में पढ़ चुका हूँ। हाँ सर, दिस इज सो गुड। इसे इंडिया लाकर यूज करना चाहता था, लेकिन यहाँ के लड़कों को जब तक मैं समझाऊँ तब तक तो मुझे खुद आर्ट थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन तुम बहुत बढ़िया करती हो। आई लाइक योर अप्रोच। थैंक यू सर। बहुत भरोसे से करती हो। आज से तुम अपनी आर्ट थेरेपी को यहीं पर रहकर शुरू क्यों नहीं करती हो? सिस्टर इनके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो। थैंक यू सर। ये कौन है सर? इन्हें क्या परेशानी है? इसे जो है ना, अंदर आओ बताता हूँ। अरे छोड़ो ना मुझे, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, छोड़ो ना प्लीज। बता दिया आपने? हाँ सब बता दिया। ऐसा क्यों किया आपने? तो और क्या करता, ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करने के बजाय मुझे ही मारने आए थे ना। मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा ये तो नहीं कहा ना, तो फिर क्यों? उस लड़की को पहली नजर में देखते ही मुझे प्यार हो गया था, अब पता नहीं मिलेगी या नहीं, बस ये उम्मीद थी कि वो मिल जाए। मेरी वीकनेस बताकर आपने मुझे बर्बाद कर दिया। तेरी वीकनेस ही तेरी स्ट्रेंथ है, तेरी बलहीनता ही बल है। उनके लिए सिर्फ आवाज सुनकर उनके आसपास क्या है वो जान सकते हैं, इसलिए मैं और तुम मिलकर एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। मैंने ये कहा, तुम उस लड़की पर मरने लगे हो मुझे साफ दिख रहा है, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे कान के इलाज पर है। तुम अगर ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे प्यार की गारंटी मैं देता हूँ, कोऑपरेट नहीं किया तो भंडा फोड़ दूंगा। आँख कान नाक जिसके अच्छे हैं वो भी आजकल लड़कियों को धोखा दे देते हैं, ऐसे में अगर तुम्हारी ट्यूबलाइट बुद्धि मैंने उसे बता दी तो। हाय, आई एम हेमा। ब्लाइंड पीपल आसानी से चल पाए इसलिए आप और डॉक्टर मेहनत करके एक डिवाइस का आविष्कार कर रहे हैं ना, मुझे डॉक्टर ने बताया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं करूँगी। ओके आपका नाम क्या है?
यहाँ पर सिग्नल सही से नहीं मिल रहा है। कल जो फीलिंग दिखाई उसके लिए मुहूर्त देखे बिना आज सीधे एक्शन पे उतर जाना, ठीक है ना? हम आधे घंटे के अंदर उसके हॉस्टल के सामने होंगे, उससे मिलाने तक हम तेरे साथ ही रहेंगे, ठीक है? उसके बाद तुझे खुद ही संभालना होगा, कानों से सुनने के लिए तैयार हो जा, ठीक है? ठीक है भाई। चुप। ए तू चुप कर ना। ए भाई तू जैसे चल रहा वैसे चलता रहे, वो खुद बीच में ज्वाइन कर लेगा, है ना भाई? ए यही रोक रहा, रुक 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 रुक। क्या यार? ए भाई ये बता, ये सब ठीक तो है ना? अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? यार हे देखो लड़की आ रही है। बाप रे क्या सुंदर लड़की है। देख भाई लड़की तो अच्छी है, अब ये ले पकड़। कुछ भी बोलकर कहीं भी लेकर जा, लेकिन संभल के रहना, इतना ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऑल द बेस्ट। चल 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 भाई। दीदी उसने मेरी चॉकलेट्स भी ले ली। छोड़ो ना उसे, तुम अपनी क्लास पूरी करो, मैं लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। अरे बाप रे डॉक्टर, ये गधा क्यों फोन कर रहा है? अबे ना तेरा ट्रीटमेंट चाहिए और ना ही तेरा अस्पताल, मैं अपनी परेशानी साथ में ढोलूंगा। कितनी चॉकलेट्स दिलाओगी? बहुत सारी दिलाऊंगी। ओके ठीक है, अब तो खुश हो ना? अब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। दीदी दीदी कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुरंत पीछे मुड़कर मत देखना, हाँ धीरे से पीछे मुड़ना, ठीक है? अरे सोनू ये तो वही है, मैंने बताया था ना। कौन, दवा छिड़कने वाला? ए अच्छा अच्छा, बॉल बेचने वाला ना? ए बदमाश, बताया था ना हॉस्पिटल में बॉम्ब ढूंढा था। कौन, जो लल्लू बन गया था? वही। हाँ वही, पर वो यहाँ कैसे? ए तू वापस क्यों आ रहा है? आगे जा आगे। तुम पर लाइन मारने तो नहीं आया ना? अरे नहीं नहीं, ये सर जेंटलमैन, डॉक्टर ने कहा था। अभी घूम भी घूम। मुझे तो लगता है कि तुम पर लाइन मार रहा है दीदी। ऐसा नहीं है। मैंने तो कहा था। हाय सर, आप यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? आइए, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। दोनों एक साथ चलते हैं ना? नो सर, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे। नेक्स्ट वीक संडे सुपर सिंगर कॉम्पिटिशन में सोनू पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी की रिहर्सल के लिए इसे म्यूजिक क्लास ले जा रही हूँ। ऑटो 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 ऑटो। भाई मैलापुर के डॉट्स हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। अरे पता नहीं ये क्या, स्टेशन के पीछे जाओगे तो बड़ा सा चौराहा आएगा, उसके आगे बड़ी सी गुंबद है, गुंबद के नीचे बहुत बड़ी रोड मिलेगी, वहां से घूमकर। ओह गॉड, हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक संडे सुपर सिंगर कॉम्पिटिशन में सोनू पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी की रिहर्सल के लिए इसे म्यूजिक क्लास ले जा रही हूं। इसकी तो वाट लग गई। कहिए डॉक्टर। फोन तो बजा ही नहीं, फोन पे बात कर रहा है सर, देख। अच्छा बताया भी नहीं, कांग्रेचुलेशन, मुझे तो दो तीन दिन पहले ही पता था। कूल डाउन कूल डाउन, डोंट वरी, आज हॉस्पिटल की छुट्टी है बस यही ना। ओके सी यू, टेक केयर। वो क्या है ना, कल से हमारे डॉक्टर, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, बस उसी में थोड़ा बिजी था। चलो ओए जा ना जा। कहाँ जाना है? भाई जा। ऑटो ऑटो ऑटो। अब मुझे रास्ते पर ही बस स्टॉप पे उतरना है, मुझे वहां तक ड्रॉप कर देंगे? हाँ आइए ना। प्लीज थोड़ा सा, प्लीज प्लीज। सोनू इधर आओ। चलो 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 चलो। राम सुपर यार, बस ऐसे ही लगा रहा बस।
आज दिन भर उस लड़की के साथ रहकर कैसे भी बटा ले उसे मजा आ जाएगा यार। हैं? हम बाद में आते हैं, एक जरूरी काम निपटा के हैं। भाग गए कमीने। हे काली माता, तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। दिल में कोई बैर ना रखकर बस जरा चेहरा हंसते हुए दिखा दो माता। बस आज कैसे भी मैं संभाल लूं, उसके बाद मैं कोई भी बलि चढ़ा दूंगा। आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? वो जो ब्लाइंड पीपल के लिए साउंड के जरिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं भी इसी तरह से सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। जितना हो सकेगा उतना आपकी भी करूँगी, लेकिन आपके जितना अब तक मैंने ट्राई नहीं किया। हो गई ना गड़बड़, अब इंतजार करता रहे। पता नहीं ये कब सुनाई देगा और उसे कब जवाब दूंगा। आपको इसका आइडिया कैसे आया? अरे क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं बचपन में अंधे और बहरे लोग देखता था ना, तो मुझे बहुत रोना आ जाता था। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? तब आप करते क्या? नो, प्लीज 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 वेट। मैं बस आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि वो अच्छा सवाल है, मुझे अच्छा लगा। बाप रे, कोई कहानी भी तो समझ में नहीं आ रही, कैसे सिचुएशन संभालूं? चलो मिल गई कहानी। मेरी एक दादी थी, उनकी उम्र 90 साल थी, और उन्हें ना उन्हें एक दिन एक दिन एक दिन सुसु आ गई। सुसु करते वक्त एक कुत्ता बीच में आ गया। क्या कह रहा है? जब दादी उस कुत्ते को भगाने लगी तो ठोकर खाकर नीचे गिर गई और वो मर गई। मुझे तो लगता है ये जरूर फेंक रहा है। पर कैसे? वो कैसे आप जरूर पूछेंगे, बिकॉज शी इज, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था। तो कैसे उन्हें कुत्ते का भौंकना दिखाई दिया, यही सवाल है ना? कुत्ते का भौंकना सुनाई दे तो भी काफी है ना, देखने की तो जरूरत ही नहीं है। ओह, एब्सोल्युटली। और स्टॉप। और उसके बाद से अंधे लोगों के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया। उनके लिए कुछ ना कुछ करने की तमन्ना थी, इसलिए जिंदगी त्याग दी, और तब मुझे डॉक्टर साहब मिल गए। अब बस करो। उन्होंने म्यूजिक क्लास यही है, हमें यहीं तक आना था। आपकी स्टोरी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हर किसी की जिंदगी में दुख तो होते हैं। आपने अपनी दादी के बारे में बताया तो मुझे हॉस्पिटल की वो दादी याद आ गई। बेचारी, पता नहीं वो कैसी होंगी। अब एनीवे, टेक केयर, हम फिर मिलेंगे। चलो सोनू, तू किसी दिन मेरे हाथ लग गया ना। सर जी, कहीं और चलेंगे क्या? ये तो अचानक से चली गई, बस इतना ही। मिलकर एक घंटा भी उसके साथ नहीं रह पाया, तो एक दिन क्या खाक रहूंगा उसके साथ? खुद को तो समझा नहीं पाया, तो अपना प्यार उसे कैसे समझाऊं? बड़ा मुश्किल है यार। चुपचाप से जैसे आए वैसे ही जाना होगा। अपनी लाइफ में कोई प्यार व्यार नहीं है, और कभी उम्मीद रखना भी मत। यहाँ क्यों खड़े हो, गए नहीं? क्या हुआ? सोनू की क्लास खत्म होने में अभी 2 घंटे लगेंगे।
मैं वेट करूं या फिर कहीं और होकर आऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ बीच पर मेरे साथ चलोगी? हाँ चलते हैं। टाइम हो रहा है, चलो ना, चलो चलते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। एक मिनट। हाँ देना। क्या दीदी, तुम खुद खरीद रही हो? दिलाने वाले के पास पैसे नहीं है क्या? एक पड़ेगी ना, बातें तो देखो, चल निकल, ये पकड़ना, अब चले। अरे क्या चले, बीच पर साथ है, कोकम शरबत पिया, चने खाए, मक्का भी खा लिया, और अब जाने को कह रही हो, बस इतना ही है और क्या? बीच पर बुलाते ही मैं क्यों चली आई ये सोच रहे हो? आपके साथ घूमने के लिए नहीं। हाँ अकेले आने में बहुत डर लगता है। आप दिखने में मुझे शरीफ से इंसान लगे तो सोचा चलो आज एक बकरा मिल ही गया है तो उसे यूज भी कर लेती हूँ। कॉफी पीते हैं? हाँ? हाँ, ओके ओके ओके, हम बाद में मिलते हैं। ओके ओके। क्या सर, पैसे देने की बारी आई तो आप निकल गए? हाँ मम्मी और पापा कहाँ पर हैं आपके? मेरे माँ और पापा ने लव मैरिज की थी, बहुत लव और अफेक्शन था, पर वही प्रॉब्लम बन गई। माँ को पापा की हर बात पे शक होने लगा। माँ हिस्टेरिया पेशेंट थी। एक दिन पापा के ऑफिस में किसी ने साथ काम करने वाली लड़की के बारे में कुछ कह दिया। माँ को बहुत गुस्सा आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। देखो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ओके? बस एक छोटा सा सॉरी बोल दो प्लीज, लेकिन ये मत कहना कि तुम्हारा चक्कर नहीं चल रहा। मैं सॉरी क्यों बोलूं? मैंने कोई गलती नहीं की है। माँ ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और फिर मैं माँ को कभी नहीं देख पाई। माँ के मरने के सदमे में पापा ने भी कुछ दिनों के बाद सुसाइड कर लिया। हम लोगों के बीच होने वाले बड़े झगड़ों में टाइम पर तुरंत एक सॉरी या थैंक्स कह दो तो कितना अच्छा होता है ना। बेकार का ईगो बीच में लाकर
मिनटों बाद निकलने वाला सॉरी, सालों बाद बोला गया थैंक्स, मरते दम तक बेकार बहने वाले आंसू किसी काम के नहीं होते, सब ईगो में मर जाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, एक सवाल करो तो तुरंत जवाब नहीं मिलेगा, जवाब देने में आत्मसम्मान घट जाता है। एक्चुअली आई हेट ऑल दीज पीपल। कैसा सॉरी कैसा थैंक्स, मुझे गुड मॉर्निंग कहो तो गुड इवनिंग में सुनाई देता है। हे भगवान, मुझ में ईगो नहीं है लेकिन सुनने में प्रॉब्लम है, ये मैं इसे कैसे समझाऊं। 10 साल की उम्र में ही मैं अनाथ हो गई थी, हेल्प होम के विद्यासागर जी ने ही मुझे पाला पोसा, वहीं पढ़ाई की, वहीं बड़ी हुई। पढ़ाई खत्म करके बाकी लोगों की तरह मुझे भी अपने लिए नौकरी करने की इच्छा हो गई, इसलिए मैं जब दुखी थी तो मुझे जो प्यार और सहारा मिला वो मैं दूसरे 4 लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है ना। सॉरी 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 सॉरी, ठीक टाइम पर कहा ना मैंने। राम, आई डोंट नो, आई एम सो हैप्पी टुडे, बहुत आजाद फील कर रही हूँ, सेफ फील कर रही हूँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? हेलो हेलो मुझे हेलो हेलो हेलो, जब देखो तो फोन पर, किससे बात करते रहते हो? सॉरी सॉरी सॉरी, ओवर रिएक्ट कर गई ना, सॉरी सॉरी। एक्चुअली थैंक यू राम, जब मैंने तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा तो उसी वक्त मैंने तुम्हारा इम्प्रेशन बना लिया, पहले दया आई, फिर भावना बन गई, फिर अट्रैक्शन हो गया। एक्चुअली थैंक यू सो मच राम, मुझे ऐसे डेली बेस पर लेकर आओगे ना? डेली तो मुश्किल है, वीकली, एटलीस्ट मंथली। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो उसी वक्त मैंने तुम्हारा इम्प्रेशन बना लिया, पहले दया आई, फिर भावना बन गई, फिर अट्रैक्शन हो गया। मैंने ऐसे कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तुम्हें देखकर कुछ मांगने का मन हो गया। राम राम राम, मुझे ऐसे डेली बीच पर लेकर आओगे ना? डेली तो मुश्किल है, वीकली, एटलीस्ट मंथली। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने ऐसे कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तुम्हें देखकर कुछ मांगने का मन हुआ। राम 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 राम, जल्दी चला चल। ये इतना चिल्लाए लेकिन वो पलटा क्यों नहीं यार? अरे अपना आदमी है भाई, अपना आदमी है। क्या बात कर रहा है? राम राम राम,
मैं खिला दूं क्या? बोल लो भाई, खिला दे इसे। जाना खा लो ना। हेलो, अरे एक बार बस थोड़ा सा। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, 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 नहीं प्लीज, एक बार ओए कहां है तू? मुझे मैं आता हूं, आता हूं, आता हूं। ऐसे करो नहीं चाहिए। हटना, ए बैठ जल्दी। क्या हुआ? जल्दी बैठ ना, तू जा यहां से। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे कपड़े तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ए दिनेश कहाँ है तू? तू जल्दी से अपने त्रिदेव बिल्डिंग में आ जा। हेलो, हेमा का पता चल गया। हेलो, तुम्हारा है? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ए भाई, एक हफ्ते से ना तो हॉस्पिटल गया और ना ही इसका फोन उठाया, तो तू किसी और डॉक्टर के पास ना चला जाए ये सोचकर इसने उसे उठवा लिया। मैंने तेरे साथ क्या गलत किया रे? क्यों किया तूने ऐसा? तुम्हारे कान को ठीक करने की सोचना गलती है क्या? ओए तेरी, तो कब तक ये सब सुनाता रहेगा? बोला था कि राम आएगा तब बताऊंगा, कहाँ छुपाया है बताया? मैं क्या किया उस लड़की का? मैं हार गया हूँ, I'm a failure. मैं आज तक एक भी मरीज ठीक नहीं कर सका, मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तू ऐसे ही बहरा रहेगा और देखना किसी बस या ट्रक के नीचे आकर मर जाएगा। डॉक्टर, वो आप हो? आप ऐसे काम भी करते हो? आपका हाथ भले ही खोटा होगा लेकिन आपका दिल मैं जानता हूं। प्लीज डॉक्टर बताइए, अगर वो ना मिली तो मैं सच में मर जाऊंगा। देखो मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें यहां बुलवाने के लिए मैंने गुस्से में सब कह दिया और ये लोग गलत समझकर मुझे यहां उठा कर लिया है, गधे कहीं के। ये देख, क्या है बे, कैसे हो तुम लोग? हराम ये तो क्या बोलने वालों, फोटोज देख लिए ना? अच्छा नाटक रचा था तुम लोगों ने। रुक ना, क्या कह रहा है? बोल बे साले, तेरी आइटम कॉपी नहीं कर रही है। सर, कितनी देर जिद कर लेगी? सर हेलो, ए अरे क्या हुआ? बोला वो क्या बोला? ए अरे कौन है वो? कोई हमसे बदला लेना चाहे, हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस कुछ पैसों के लिए मजाक ही किया था हमने, तो फिर ये कौन हो सकता है? तेरे फोन में रिकॉर्ड तो हुआ होगा ना? हाँ यार, ए राम फोन दे। क्या है बे, कैसे हो तुम लोग? ये तो संजय की आवाज है। फोटोज देख लिए ना? ये तो संजय की आवाज है। अच्छा नाटक रचा था तुम लोगों ने।
क्या नाटक रचाया था? बोल बे साले, तेरी आइटम कोऑपरेट नहीं कर रही है और कितनी देर जिद कर लेगी? अरे यार ये तो कोई साइको लग रहा है। इसके बाद संजय, तेरी आइटम तू गलत कर रहा है। ऐसी गलती मत कर संजय, ये अच्छा इंसान है, छोड़ दे उस लड़की को। आप वहाँ कैसे पहुँच गए पापा? आप वहाँ से आ जाइए पापा, पापा। ये देख, ये खुद धरती पे बोझ है और इसका एक बेटा भी है। पूछ मत दे यार। देख बेटा, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा बेटा, उस लड़की को छोड़ दे। आपसे कितनी बार मिलने के लिए मैं हॉस्पिटल आया था, लेकिन आपने मुझे भगा दिया था। सॉरी बेटा, तुमसे नाराज था ना इसलिए ऐसा कह दिया था। सॉरी बेटा, अब तो सॉरी बोल रहा हूँ ना। ओए, अगर तूने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो तेरे बाप को मार दूंगा मैं। नहीं, मारना मत। अबे कमीनो, मेरे बाप का जो करना है वो करो, मेरी तरफ से उसे चप्पल भी मार सकते हो। अब ये बेकार की बातें छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें वो छमिया चाहिए तो राम और तुम लोग जल्दी से मेरे गेस्ट हाउस पर आ जाओ। ओए, लेकिन गेस्ट हाउस है कहाँ पर? अरे मेरा बाप है ना तुम्हारे साथ, उसी से पूछ लो, बता संजय, संजय। गुड गर्ल। बी ए स्मार्ट गर्ल, ओके? तुम्हारा रेप करने के लिए मैं उठाकर नहीं लाया हूं, जस्ट फॉर वन वीडियो। मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बेचकर पैसे कमाना है, बस। तुम चाहो तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री, यू नो, यू कैन मेक मनी। इनफैक्ट ये आइडिया तो बताने वाला तुम्हारा आशिक ही है और मेरा गुरु। मैं अपने गुरु को छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये देखो। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम्हें तुम्हें कोई गहरी चोट लगी है ना? तुम्हें किसी का साथ चाहिए, कोई ख्याल करे, तुमसे प्यार करे, मुझे अपना दोस्त ही समझो, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये तेरा नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। मैंने देखा है तुझे अपने बाप के हॉस्पिटल में अच्छी तरह से। मेरा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं मेंटल नहीं हूँ, समझ गई ना? इनफैक्ट मैं थोड़ा ज्यादा समझदार हूँ, मुझे क्या चाहिए मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। आई बात समझ में? आई डोंट नीड लव, आई डोंट नीड अफेक्शन, एंड आई डोंट नीड मनी टू। मुझे तो बस सिर्फ थ्रिल चाहिए। क्या हुआ बॉस? वो आ गए हैं। उन सबको वहां चड्डी में बिठाओ, मैं अभी आया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कैसे हो तुम लोग? अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं? पता है तुम लोगों को ऐसे देखने के लिए मैंने कितना वेट किया है। सर, अनजाने में हो गया, कुछ पैसे पाने के चक्कर में, मजाक में, लेकिन वो सब तो हम कॉलेज के दिनों में किया करते थे और तुम खुद ही चलकर तो हमारे पास आए थे। मजाक में कुछ ज्यादा ही हो गया था उस दिन तुम्हारे पास से, जब हम वापस आ रहे थे तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में मेरे कान चले गए। तब से मुझे सब लेट सुनाई देता है। कई डॉक्टर से मैं मिला, कितने हॉस्पिटल्स गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सारे इलाज करके देख लिए, आखिर मैं थक गया। जब पागलों जैसा हो चुका था तब इस लड़की ने मुझे एक आशा दी। आ,
मुझे माफ कर दीजिए सर, इस लड़की को छोड़ दीजिए। ये किसी अच्छे दिखने सुनने वाले लड़के से शादी कर लेगी। मैं सच कहता हूं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कोई फीलिंग है। इस लड़की को छोड़ दीजिए, हमारी जितनी चाहे फोटो ले लीजिए। तुम्हारी फोटो लेकर मैं क्या करूंगा, क्या ग्लैमर है उसमें? टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, मस्त एग्जीक्यूट किया था, लेकिन आखिर में मजाक बना दिया। मैंने भी बस उसी कॉन्सेप्ट को थोड़े से नमक मिर्च के साथ सीरियसली करने का फैसला किया। तुमने ड्रामा किया था, लेकिन मैंने इस लड़की के साथ रियल प्ले। पूरे शहर के बिग शॉट्स के वीडियो लेकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हड़प कर उसके बाद उन्हें धोखा देकर इंटरनेट पर डालकर मैंने खूब पैसे कमाए। और ऐसा जब चल रहा था तभी मैंने अपने हॉस्पिटल में तुम्हें अपने बाप के साथ एक दिन देखा। मैं जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाया जो मुझे पसंद था, और ना ही वो कर सका जो मेरे बाप को पसंद था। मैं जिंदगी में किसी लायक नहीं बन पाया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ये थ्रिलिंग वाला काम जरूर सिखा दिया। अब तुम सबको ही सरप्राइज देने के लिए प्लान करके ही इसे मैंने उठवाया। हे, मैं गोली चला रहा हूं, तू उसकी तरफ क्या देख रही है? अच्छा, तो हमारे ही आइडिया को डेवलप करके अच्छे पैसे कमा रहा है तू? तुम्हारी कहानी में हम लोग की जो जगह है वो अच्छे नजरिए से ही है ना? हमारी वजह से तेरे साथ इतना अच्छा हुआ तो हमसे बदला क्यों ले रहा है तू? मैंने सुन रखा था तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ही करना है। मुझ जैसे खतरनाक के साथ तुम लोगों ने खेल खेला। आधी रात सड़क के किनारे सिर्फ एक चड्ढी में कुत्तों के डर से मैं कांप रहा था। बॉस, पार्टी आ गई है। थोड़ी देर में एक आदमी अंदर जाएगा, उसके साथ तेरी आइटम होगी, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम खुद ही दरवाजा तोड़कर फोटो शूट करेंगे और ब्लैकमेल करके पैसे कमाएंगे। सो गेट रेडी फॉर द शो। शो खत्म होते ही तू इसे लेकर जा सकता है। क्या हुआ? गोली चलने के 6 महीने बाद रिएक्शन दे रहा है, कमीना कहीं का। ऐसा भाई, इसे बाहर फेंक दो। चल रे, चल। अंदर आ जाओ। अरे अरे राम, राम क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें राम? राम क्या हुआ तुम्हें राम? मुझे छोड़िए डॉक्टर, जाके हेमा को बचाइए। हेमा को? तुम ठीक तो हो? मुझे छोड़ो ना सर, हेमा को बचाओ ना। डरिए मत मैडम, यू आर सेफ, आई एम अ पुलिस ऑफिसर। तुम्हें क्या हुआ राम? डॉक्टर, आपका बेटा बहुत गलत कर रहा है, मेरे कान के पास गोली मारी। बाप रे, हेमा वहां अकेले फंस गई है उसके पास। राम क्या हुआ डॉक्टर? राम क्या है डॉक्टर? तुम्हारे कान ठीक हो गए राम? संजय ने तुम्हारे कहां गोली चलाई थी? कान के पास ना? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, थैंक्स गॉड। साउंड शॉक तुम्हारे ठीक काम कर गया, मेरी ट्रीटमेंट सक्सेस हुई। आई एम अ डॉक्टर, रियल डॉक्टर। डॉक्टर हेमा? हाँ मैं भैया।
संजय, ए संजय, ए संजय, सर मैं हूं सर। अरे बाप रे, आप थे वहां? सॉरी सर। ए गोली मत चलाना, गोली मत चलाना बेटा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, ये देख पर्स में तेरी फोटो है। ए, ए, ए राम उठ, ए राम वो गोली चला रहा, उठना, अरे जल्दी उठ, ए उठना राम, उठो। ए राम क्या हुआ, फिर से लेट रिएक्ट कर रहा है, उसने गोली मारी तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? तब तो मेरी बात एक राउंड में सुनाई दे गई थी ना। ए, तेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुम्हें बीच में लेट सुनाई दे रहा था शायद, कोई बात नहीं, पहले से आप बेहतर हो। आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आप भी इस केस में फंस सकती हैं। हे माँ की तुम चिंता मत करो, ऊपर मेरा पुलिस वाला दोस्त है, वो देख लेगा, अब जल्दी चलो। सीधा गोली मार कर जाने के बजाय यहाँ खड़े होकर डायलॉग मार रहा है तू? टायसन! उधर देखो, वहां पे वो उधर है। रुक ना, भाग रही है। बेटा रुक जाओ, बेटा मत जाओ तुम, बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो बेहोशी का इंजेक्शन था, बाहर मत जाना, बेहोश होकर कहीं गिर जाएगा। ए, रोक! चलो। अरे अभी तो यही दिखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उसी तरफ जा रहे हैं। वो जाओ यहाँ से, जाओ। आओ, हम दोनों इस तरफ से भागते हैं। हे, कहाँ है वो? पकड़ लिया? इतने आराम से क्यों पूछ रहा है? ए चला। अरे इसे तो तुमने अपना आदमी बताया था। नहीं है? नहीं है। तेरी तो बोलता है। रोक। अरे वो लोग कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पता नहीं कहाँ चले गए। एक बार दिख जाते ना तो उनको हम लोग छोड़ते नहीं। चलो, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, वो लोग आ जाएंगे। अरे मैं तुम्हें बचा लूंगा। ए, 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 अरे मुझ पे भरोसा करो। हेमा जल्दी चलो, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ। अरे
अरे मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, सच में मुझ पर भरोसा करो प्लीज प्लीज। जल्दी चलो जल्दी। अरे वहां मत बैठो, मुझे बीच बीच में सुनाई देता है, अगर गिर गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। प्लीज आगे आके बैठ जाओ ना, बैठो। चलो अच्छा जल्दी चलो। हमेशा देर से सुनाई देता है ना, तो अब ये नया क्या है, तुम्हें बीच बीच में सुनाई दे रहा है क्या? क्या करूं, उस गधे ने मेरे कान के पास गोली चलाई थी ना, उससे थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन आधा बाकी है। तुम्हें अब लेट सुनाई देगा या जल्दी सुनाई देगा मुझे कैसे पता चलेगा? ए, तुमसे ही बात कर रही हूँ। ए, ए, हो गया। पता नहीं कहाँ चली गई। भाई वहां देख। मेरा जहां तुझ में, मेरी दुनिया तुझ में, तू है सम्मान, तू है सम्मान, मैं हूँ पतंगा, चल जाऊँ तुझ में, फिर ना जुदा तुझसे हो सकूंगा मैं। तू है समा, मैं हूँ पतंगा, तू है समा, मैं हूँ पतंगा, तेरी राह में चलूं तो ही तुझसे लिया होता तो बेकार में ओए ओए कर रहा है, यहां बात कर रहा हूं ना। Oh,
पीछे हटो। निशाला गलत मार दिया भाई, क्या किया ये? मेरे को में बैठ जाओ, तुम सबका इलाज करना है ना? नहीं नहीं नहीं, हमें आपसे इलाज नहीं करवाना है, हम जा रहे हैं। भागो भागो, इनको मेरी जरूरत नहीं है, कल अस्पताल में मिलते हैं। सॉरी राम, मेरी वजह से ये हुआ। ऐसे क्या देख रहे हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आगे से ऐसा मत करना। हा? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे कान को ना मैं आर्ट थेरेपी से ठीक करूंगी। ठीक टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए आना होगा। हा? मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, और तुम्हें कुछ तो बोलो राम। हे, तुम ये सब कब सुनोगे, कब समझोगे? तुम जब भी मुझे छूती हो ना, तो मेरे कानों में अजीब सी टू करके आवाज आती है। ओहो, ये तो पूरा फ्यूज हो गया। हाँ? हाँ?